अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस डिश, स्वीट डिश बनाएंगे आज हम, वो भी चने की दाल का मीठा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं 2 कप चने की दाल को अच्छे से 1 घंटे टाइम के लिए भिगोकर और कुकर में डालकर 3 विजल के लिए अच्छे से गला लिया है। देखिए हमारी चने की दाल अच्छे से गल के मैश हो चुकी है। अब मैं इस वक्त एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छा बारीक से इसे पीस लूँगी फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ 1 लीटर दूध को मैं अच्छे से पकाते हुए 1/2 लीटर दूध बना चुकी हूँ इसे। इस दूध में जो हम चने की दाल पीसे थे उसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैं गैस के स्टोव में नहीं रखी, सबसे पहले मैं सभी चीज़ों को अच्छे से एक बर्तन में मिलाकर फिर मैं इसे गैस पे चढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दूध में जो चने की दाल गलाकर मैं अच्छे से पीस के रखी थी वो सारी दाल को डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। शक्कर मैं डाली हूँ 2 कटोरी भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, कोई मीठा ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं, इस बात को देखकर आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं, चीनी। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके, देखिए अच्छे से मैं मिक्स करके अब डालूंगी मैं इसमें। और जो घर में दूध गर्म करते हुए मैं जो मलाई निकाल कर रखी थी उसे भी मैं 1 कटोरी इसमें डालूंगी फ्रेंड्स। अब रख लेंगे स्टोव के ऊपर 1 बर्तन, उसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के घी। घी डालकर जो हम मिक्स करके रखे थे चने की दाल का वो डाल देंगे। अब इसमें डालूंगी मैं 1 कटोरी भर के खोया मावा डालेंगे हम, डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से फटाफट बनने वाला मीठा है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है ये मीठा, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं 1 कटोरी भर के जो मलाई जमा कर रखी थी 2 दिन की, वो बिल्कुल ताज़ी मलाई है, मैं फ्रिज में रखी थी, उसे भी डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें कलर, केसरी कलर है ये, आप चाहे तो लेमन कलर भी डाल सकते हैं। थोड़ा केसरी रंग डालूंगी मैं क्योंकि इसका असली रंग तो यही होता है, इसलिए मुझे यही पसंद है। आप चाहिए तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और बहुत देर तक हमें इसे पकाना है, लगभग 1/2 घंटे टाइम के लिए हमें इसे चम्मच को चलाते हुए अच्छे से। देखिए कितना थोड़ा हो चुका है हमारा मीठा, अच्छे से मैं अब इसे पका ली हूँ, अब ये पक के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे दूसरी तरफ, मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रख चुकी हूँ इसके ऊपर से सजाने के लिए। देखिए अब हमारा मीठा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, आप भी आपके घरों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कैसा बना मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही सुंदर टेस्टी और स्वादिष्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।